राजस्थान की सियासत में फैसले का वक्त आ गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ एक सप्ताह में दो बार मुलाकात की है। पिछली मुलाकात 4.5 घंटे की रही और इस बार करीब 45 मिनट तक राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट बैठे रहे और बीच में प्रियंका गांधी भी इस मीटिंग में पहुंची। हालांकि कहा जा रहा है कि अजय माकन भी बाहर मौजूद थे। निश्चित रूप से जिस तरह से सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ मीटिंग किए हैं सप्ताह में दो बार, कोई बड़े बदलाव के संकेत हैं। बड़ा बदलाव फिलहाल अभी होने नहीं जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है और 7 अक्टूबर के आसपास राजस्थान में नया मंत्रिमंडल होगा, पूरी तरह से फेरबदल होगी मंत्रिपरिषद में और उसके बाद 2022 में पंजाब चुनाव बाद राजस्थान में नया चेहरा मिलेगा। वो चेहरा कौन होगा, इसे लेकर मंथन इस बीच जारी रहेगी, क्योंकि निश्चित रूप से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बैलेंस बैठाकर चलना कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ी मजबूरी होगी। जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने बगावत की है, हालांकि उस बगावत का कोई मतलब नहीं है, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटा भी दिया जाता है और बगावत करते हैं तो उसका कोई ऐसे मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में कांग्रेस आलाकमान जो तय करता है विधायक उसके साथ जाएंगे। लेकिन हर जगह यही चर्चा हो रही है कि आखिर दो बार मीटिंग क्यों हुई है। देखिए, आज भी राजस्थान को लेकर दिल्ली में कांग्रेस में एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी हैं और राहुल गांधी भी इसका फीडबैक ले रहे हैं। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी गए थे मिलने के लिए, हालांकि कई दूसरे मंत्री भी कहा जा रहा है मिलने वहां गए हुए थे। हरीश चौधरी पहले से वहां पर मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरह के हालात राजस्थान में बने हुए हैं कांग्रेस हर जगह से फीडबैक ले रही है। अब कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी केसी वेणुगोपाल से मिलकर आए हैं। देखिए, जहां तक अशोक गहलोत की राजनीति को हम समझते हैं और जानते हैं, वह हो सकता है कि सीपी जोशी और रघु शर्मा को दिल्ली भेज रहे हों जो फीडबैक वो खुद नहीं देना चाह रहे हैं वो इनके जरिए देने के लिए, क्योंकि इस तरह की राजनीति वो करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से पंजाब को लेकर फैसला लिया है कांग्रेस आलाकमान ने, निश्चित रूप से अब इस तरह की राजनीति का बहुत ज्यादा स्पेस बचा नहीं है, बहुत ज्यादा जगह है नहीं। जिस तरह से अंतापुर की राजनीति पिछले 20 सालों से राजस्थान में चल रही है, अब बड़ा सवाल है कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को लेकर सब कुछ खाका तैयार हो गया है, 4 से 5 सचिन पायलट के लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि बार बार सचिन पायलट कह रहे हैं कि अब उनकी असली भूमिका होगी कि सभी 121 विधायक उनके अपने हों, अगर राजस्थान में राज करना है तो उनकी यह भूमिका, जो नई भूमिका है उसे उन्हें खोजना होगा। और इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि सीपी जोशी के बीच जो सियासी मुलाकात हुई है, इसी सिलसिले में इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट को राजस्थान में राजनीति करनी है तो इन्हीं विधायकों के साथ करनी होगी और विधायक किसी के नहीं है। यकीन मानिए, जिन जिन को सचिन पायलट ने टिकट दिया था आज वो सरकार के साथ हैं। सचिन पायलट के नाम की घोषणा हो जाती है दिल्ली से, एक भी विधायक आपको वहां नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर। तो इस तरह के परिपाटी बीजेपी और कांग्रेस में पहले भी रही है। कांग्रेस में मैंने कहा ना कि आपको आंध्र प्रदेश में रुसैया को मुख्यमंत्री बना दिया कांग्रेस ने, तो कोई भी जगमोहन रेड्डी के साथ नहीं गया था। उसके बाद किरण रेड्डी को बनाया, तब भी कोई जगमोहन रेड्डी के पास नहीं गया था, जगमोहन रेड्डी को पार्टी ही बनानी पड़ी। तो कांग्रेस आलाकमान अगर फैसला लेती है तो ऐसा नहीं है कि विधायक अशोक गहलोत के पास है, विधायक किसी के पास नहीं, विधायक उसके पास है जिसके पक्ष में कांग्रेस आलाकमान फैसला करता है। अब सचिन पायलट के लिए क्यों फैसला करेगा, इसे लेकर अब कई तरह की बातें हो रही हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन पायलट में तुलना नहीं की जा सकती है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू अच्छे ऑरेटर हो सकते हैं, मगर सचिन पायलट जैसी लोकप्रियता उनकी राजस्थान में नहीं, जैसे है वहां पंजाब में नहीं है। सचिन पायलट की एक लोकप्रियता पूरे देश में है, एक कांग्रेस से एक लगाव है, और नवजोत सिंह सिद्धू एक अच्छे ऑरेटर हैं, चेहरा हैं, इसकी तलाश पंजाब में कांग्रेस को थी और देश भर में कांग्रेस को थी। वो कांग्रेस के पक्ष में जाम बांध सकते हैं बीजेपी का, जिस तरह से प्रहार करते हैं, लेकिन सचिन पायलट एक चेहरा है और राजस्थान के लोगों में एक लोकप्रियता है।
निश्चित रूप से कांग्रेस आलाकमान जो भी फैसला लेगा, कहा जा रहा है कि पंजाब में कम से कम 7 सर्वे एजेंसियों से कराए गए हैं और 7 एजेंसियां जो है वो 3-3 बार सर्वे की हैं, तो इस तरह के सर्वे निश्चित रूप से राजस्थान में भी होंगे और उसके बाद ही फैसला हो पाएगा। अब सचिन पायलट की भूमिका क्या हो इसे लेकर, जैसा कि अजय माकन ने भी कहा था कि इसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तय करना है, हालांकि बीच में प्रियंका गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी से सचिन पायलट के अच्छे संबंध हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और यह कहकर गोविंद सिंह डोटासरा को पदमुक्त किया जाए कि एक पद पर एक व्यक्ति रहेगा और गोविंद सिंह डोटासरा मंत्री बने रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का पद इसलिए दिया जाए कि ताकि जो एक विधायकों में गुट बना हुआ है उस गुट को तोड़कर लोग सचिन पायलट के साथ जुड़ें। एक तो यह भूमिका हो सकती है और दूसरा जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विरोध कर रहे हैं उसे देखकर, ऐसा कहा जा रहा है विरोध कर रहे हैं उसे देखकर, हो सकता है कि अभी कांग्रेस महासचिव बनाकर गुजरात या चुनाव वाले राज्यों में उन्हें भेजा जाए और उसके बाद पंजाब चुनाव बाद उन्हें राजस्थान में भूमिका दी जाए। लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा और पार्टी में नहीं होगा, सरकार में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार कांग्रेस आलाकमान जरिए अजय माकन यही कहलवा रहा है कि राजस्थान को लेकर उनके पास प्लान है। देखिए, बार बार कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बात पर भरोसा किया है कि मैं सरकार को वापस लौटाकर ला रहा हूं, लेकिन दोनों बार मुंह की खानी पड़ी है। तीसरी बार वह भरोसा करेंगे या न करेंगे ये बड़ा संकट है। ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अब 2 साल का वक्त है, अब जिस तरह से अगर वो निकलने की तैयारी भी कर रहे हैं तो बेहद मुश्किल काम होगा उनके लिए कि सचिन पायलट की भूमिका को किनारे रखकर अकेले दम पर वो अपने दम पर राजस्थान में सरकार बना लें। कम से कम कांग्रेस आलाकमान को अगर भरोसा रहता तो इस तरह से सचिन पायलट के साथ 2-2 मीटिंग नहीं होती और प्रियंका गांधी अगर उस मीटिंग में मौजूद है तो यकीन मानिए कोई बड़ा फैसला होने वाला है। अब जिस तरह के फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो अगर दिलवा रहे हैं उसे लेकर, हो सकता है कि सचिन पायलट की भूमिका फिलहाल राजस्थान में इतनी जल्दी घोषित न हो जितनी जल्दी उम्मीद की जा रही है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने ये मूड बना लिया है और उनके पास इस तरह के रिपोर्ट है कि सचिन पायलट लोकप्रिय चेहरा है, उस चेहरे पर चुनाव में जाया जा सकता है, उस चेहरे को पार्टी का चेहरा बनाया जा सकता है, चाहे जितने भी फीडबैक जा रहे हों यही जा रहा है। अब सवाल उठता है कि कब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे। इस मामले में सचिन पायलट ने एक अपना अलग रुख तैयार किया है, उनके 3-4 लोग जो मंत्री बनाना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि वो मंत्री बन जाए, उसके बाद कांग्रेस आलाकमान जो भी भूमिका उनको देगी वो देने के लिए लेने के लिए तैयार है। वह इस भूमिका को पहले इसलिए नहीं लेना चाह रहे हैं कि लोग कहेंगे कि स्वार्थी नेता है, खुद की भूमिका लेकर चला गया और हमें बीच में छोड़ दिया। कम से कम सचिन पायलट का स्वभाव ऐसा नहीं है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक बार जो उनके विधायक हैं वो मंत्री बन जाएं तो फिर वो अपनी नई पारी राजस्थान की राजनीति में भी शुरू करें। नई पारी का मतलब है कि वो उन सारे विधायकों और मंत्रियों को साधें जो उनके थे और फिलहाल ऐसा लगता है कि उनसे दूर हैं। इस बारे में पहले भी खबर इस तरह की छपी या छपवाई गई कि सचिन पायलट चाहते हैं कि कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, उसे लेकर वो बार बार कह रहे हैं कि यह हटाने वालों की राजनीति है कि मेरे सिर पर इसे थोपा जाए, मैंने किसी को हटाने के लिए नहीं कहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस आलाकमान जो फीडबैक ले रहा है उस पर ही कार्रवाई होने जा रही है। राजस्थान में फिलहाल कोई चेहरा बदलने नहीं जा रहा है क्योंकि जिस तरह का फीडबैक अजय माकन ने लिया है उस फीडबैक में विधायकों ने कोई नाराजगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नहीं जताई है और जताएंगे भी क्यों, जो चाहें वह हो रहा है, जिसे चाहें उसे मिल रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो हर जगह भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर रही है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि नेता विधायक और उनसे जुड़े लोगों की तरफ आपको देखना नहीं है। अगर इस तरह के हालात हैं तो विधायक कभी नाखुश नहीं होंगे और यह फीडबैक कांग्रेस आलाकमान के पास है, इसीलिए कहा जा रहा है कि
विधायकों का फीडबैक इस बार राजस्थान में कोई मायने नहीं रखता है। कांग्रेस आलाकमान सीधे जनता से फीडबैक लेगा, उसके आधार पर परिवर्तन होगा। यकीन मानिए, श्राद्ध खत्म होते ही राजस्थान को नया मंत्रिमंडल मिलने जा रहा है और अगले साल सत्ता का और पार्टी का चेहरा भी बदलने जा रहा है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।